नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अब वक्त हो चला है राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों का। चुनाव 24 में चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SBI चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करे। चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से मिला, ये लोगों को जानने का अधिकार है। साल 2022-23 में राजनीतिक दलों को मिला 850 करोड़ से ज्यादा का चंदा। ADR की रिपोर्ट में 20,000 रुपये से ज्यादा के दान का विश्लेषण। उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा के लिए नामांकन फाइल किया। बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नॉमिनेशन फाइल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिले उमेश नाथ। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं उमेश नाथ। सोनिया गांधी के राजस्थान से नामांकन पर बीजेपी का अटैक। शहजाद पूनावाला ने कहा गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश के सारे रिश्ते नाते तोड़े। संजय यादव को राज्यसभा भेजने पर JDU का तंज। नीरज कुमार बोले वरिष्ठ नेता मुंह देखते रह गए। अशोक चौहान की राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी पर राउत का अटैक। कहा बाहर से आए नेता को उम्मीदवार बनाना पड़ा। PM मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी का तंज। लिखा 10 सालों से झूठे सपनों का बाइस्कोप लेकर घूम रहे PM। कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंचे गवर्नर CV आनंद बोस। बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज में घायल सुकांत मजुमदार से मुलाकात की। सुवेंदु अधिकारी भी कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंचे। सुकांत मजुमदार से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संदेश खाली हिंसा पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा शाहजहां शेख शिबू जैसे अपराधियों को बचा रही ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों में धारा 144 लागू। 19 फरवरी तक के लिए आदेश। संदेश खाली की घटना का सच छिपाने के लिए धारा 144 लगाई। सुकांत मजुमदार का ममता सरकार पर आरोप। धारा 144 लागू करके लोगों को संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान। संदेश खाली घटना पर बीजेपी का निशाना। गौरव भाटिया ने कहा CM ममता मूक दर्शक की तरह कर रही हैं काम। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी का गांव चलो अभियान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। असम CM हिमंता बिस्वा शर्मा गोलाघाट पहुंचे। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत गांव वालों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। CM योगी ने गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत की, लाभार्थियों से बात की। UP के CM योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान के निर्देश दिए। वक्फ संपत्ति के लिए 32 करोड़ रुपए का फंड जारी। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर उठाए सवाल। कहा तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार का फैसला। 20 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी।